बलहारी कुदरत वस्या तेरा अंत न जाई लखिया दा नगमा गौणहार। साहिब गुरु नानक जी दे प्यारे प्यारे सिखो, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाह 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 कुदरत दी कुख ते कुदरत दे कादर नाल ओत पोत हुई जोत दे वारस गुरु नानक जी। कजली बन दे सबन अंदर बैठे ज्योत स्वरूप गुरु नानक जी। रब्बी जाद, रब्बी प्यार, रब्बी कीर्ति, रब्बी गुणा दे गायन विच मस्त। एक धुन विच करते दी कीर्ति कर रहे ने। गुरदेव दी रसना चो प्यारे दा गीत निकल रहा है, प्यारे दी उपमा निकल रही है। गुरु नानक जी किन्नी उच्च अवस्था विच सारी क्रिया सहज विच कर रहे होणगे। इन्हूं ते भागां वालियो आपां अज महसूस कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। गुरु जी दी मेहर नाल, गुरु जी दी नज़र नाल, गुरु जी दे अपने उत्ते होण वाली वो जड़ी नदरे करम है वो दियां बस की कहिए, मेर भरिया तिरंगा दे नाल निकल रहे ने लोग। अगे जान नूं कईयां दा जी नहीं करता, आए ते आश्रम जाण वास्ते ने। कईयां दे कदम मेरे गुरदेव सच्चे पातशाह दे नेड़े आके रुक गए, थम गए। अगे तुरन तो उन्होंने लत्तां ने जवाब दे दिता, वो अगे जा ही नहीं सके। आए ते आश्रम जाण वास्ते सन, पर बह गए गुरु नानक जी दे निकट, उन्होंने नेड़े, उन्होंने चिगिरदे विच ऐन सहज अवस्था विच मुद्रा विच बह गए। कुछ गए ने जिहड़े जोगियां दे पक्के नेमी ते प्रेमी गए ने, पर अज उन्हां दे कदमां विच थमा नहीं है, अटका नहीं है। पर थोड़ा जिहा समां उत्थे जोगियां दे कोल बैठदे ने ते वापस उत्थे आके जिथे गुरु नानक जी बैठे ने उत्थे आके टिक जांदे। इत्थे जो वंडिया जा रहा है, जो इत्थे ज्ञान दा माहौल बन गया, जो करते दे कीर्ति दियां धुनां इत्थों उठ रहियां ने, जो गुरदेव दे चिगरदे विच टिकाओ दी अवस्था है, एक महक है, एक सुगंध है, एक तरंग है, एक उमंग है, एक इत्थे जुड़ जाण वाला वातावरण है। ऐ जुड़दे गए चंद्रमा के द्वारे परिवार पैंदे जिवें ना। अजे हुण असीं खुली रात कट्टण वाली छत्तां ते सौंदे ही नहीं, पता नहीं लगता परिवार कदों पै जांदा है। तारियां दे अजीब जिहा घेरा जां लो चिट्टे रंग की सफेद लो चंद्रमा के द्वारे कदी जदों छत्तां ते सौंया करदे सन, तकिया करदे सन, वो एक खूबसूरती पैदा कर दी है। अजे आए ने अजनबी, अजनबी ने गुरु नानक जी बारे जानते कुछ नहीं, पर गुरु नानक जी दे राही जो कुछ हो रहा है, जिवें गुरु नानक जी राही कुछ गाया जा रहा है, करते दी कीर्ति कीती जा रही है, जिवें इत्थों ज्ञान दियां धुनां निकल रही ने, उस धुनां दियां तरंगां जिहड़ियां ने इन्हां सारे नूं भागां वालियो उत्थे रुकण लई, अटकण लई, बैठण लई
की कही है, मजबूर कर दिए ने। नहीं नहीं नहीं, अंदर इच्छा शक्ति पैदा कर दी ने। वे मुहारे कदम गुरदेव दे चुगुरदे आके अटक जाते ने, उत्थे बैठ जांदियां ने, रूहां टिक जांदियां ने। आज जिंदगी का पहला दिन है, ये तो इतना मौत देखे ही नहीं। इस इलाके के लोग तो उन्होंने मरीद ने जिन्हें हठ कर्म किए ने, योग साधना साधिया ने, भुखे त्राए रहे ने, चूड़ियाँ ताइया ने, पिंडियां ते पपूतियां लाइया ने, अखा ताड़ी लाने वास्ते नशियां का सहारा लिया है। उन्होंने तो अपनी किस्म की क्रियावान करते करते उन्होंने अपन जड़िया मुद्राव सन, अवस्थाव सन, उन्होंने विकत कहते रहते जानते हैं। ये साढ़े तो वक्रे ने, ये तरदकारी ने, ये साधक ने, ये हठी ने, ये तपी ने, ये योगी ने, ये सिद्ध ने, ये नाथ, वक्रे वक्रे नाम दे रखे ने, पर इत तो नाम भी कोई नहीं, जानते भी कोई नहीं। कौन ने, कितों आए ने, किदा आए ने, क्यों आए ने, पर आए ने यह दिखाई दे रहे। आए ने वो कुछ कर रहे हैं, उतों कुछ बाहर जा रहे हैं, सुते जा रहे हैं, अपने आप जा रहे हैं, सुगंधित रूप में जा रहे हैं, मन शो जाने वाला जा रहे हैं, कदमों रोक लेने वाला जा रहा है, अखा की निगाह टिक टिकी का केंद्र उत्ते टिक जाने वाली किरिया देने वाला असर बाहर जा रहा है। हुण योगी दे टिकाने तो कुछ योगियां दे चेले चाचड़े ओए अपने आश्रम तो बाहर निकले, थोड़ी जी दूर देखते ने, अज कुछ अजीब जिहा वापर रहा है जिदे बारे ना कदी सोचिया ना कदी विचारिया, अज कुछ होर हो रहा है बार, थोड़ी जी दूरी ते कुछ वापर रहा है, कुछ हो रहे इन्ना भी महसूस कर लिया। जिहड़े इत्थे आके अगे बह जांदे सन घंटियां बद्दी साडे नाल कुछ चर्चा करिया करदे सन, अज ते थोड़े समय जी इत्थों वापस परत गए ने। अज साडे कोल बहुती भीड़ भी नहीं होई, पर बाहर जदों निकलदे ने इक्का दोगी दुका मरीद निकलदे ने बाहर, ते बाहर कुछ दिखदे ने। इन्हां दे कदम भी उस पासे नूं तुर पैंदे ने। जो उत्थे हो रहा है इन्हां दीआं सुरतां ते वी असर पा जांदा है, इन्हां दीआं सुरतां ते वी असर पा जांदा है। इहने अपने आप नूं समाज तों अलग खास श्रेणी दे मन्नण ते समझण वाले, हुण इत्थे इह वी लट्टू हो जाते ने, मोत हो जाते ने, प्रभाव लै जाते ने। यह भी इत आके गुरदेव के चिगिरदे जो कीर्ति रब जी की गुरदेव जी द्वारा हो रही है, जो आले दुआले तिरंगा गुरदेव के हिरदे च निकले हुए ज्ञान के द्वारा सुगंधित रूप विचर रही ने, घूम रही हैं, उन्होंने तिरंगा के नाल इन्हें भी वरसाए जाते हैं। अगे की होएगा ये साड़ी समझ वास्ते बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिज्ञासु बनना है। आप लैने गुरदेव जी को समझने लिए बैठे हैं, जानने लिए बैठे हैं। ये साखी के निके निके पड़ा ने, वे गुरु नानक जी दे वडियाइया के कोई लक्षण ने जोड़े अपने सामने आपू विचार मिल रहे हैं। सो इन्नी सेवा प्रवान करो सारे सतसंगी, इस नीच कीट दियां पुलां दी माफी दिओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।